भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी जाप हैं उन्हें आपको वैजंती की माला पर आप कर सकते हैं, लाल चंदन की माला पर कर सकते हैं, आप उसको तुलसी की माला पर कर सकते हैं, स्फटिक की माला पर भी कर सकते हैं। लेकिन जो वैजंती की माला है ये बहुत अच्छी मानी गई है। और जैसे कि जाप की विधि आप जानते ही होंगे कि आप जैसे विष्णवे नमः, षटकार नमः, भगवते नमः, भगवान नमः, ये जितने भी आप पाठ करते जाएंगे उसके बाद ये माला आप पूरी करने के बाद ये माला आपकी जाती चलती जाएगी। आप जाप करते जाएंगे फिर ये आपका आ जाएगा सुमेरु। सुमेरु इसको बोलते हैं जो बीच में जहाँ से माला का 108 मन के प्रारंभ होते हैं। फिर सुमेरु को कभी भी लांघते नहीं हैं। अगर आपने 108 से ज़्यादा का पाठ करना है तो सुमेरु को आप लांघेंगे नहीं। यहाँ से फिर पुनः वापस उल्टी तरफ शुरू हो जाएंगे आप। 108 आपके पाठ हो गए तो 109वां मंत्र बोल करके 109, 110, 111, 112 फिर अगेन आप वापस सुमेरु तक आएंगे, फिर सुमेरु से वापस इधर तक आएंगे। जो 108 से ज़्यादा के जाप करते हैं उनके लिए मैंने विधि बताई। ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, बहुत छोटी सी बात है। आप में से बहुत सारे जने इस बात को जानते भी होंगे लेकिन मैंने सोचा फिर से आपको बता दूँ। तो इस पर ये पुरुषोत्तम मास में आप विष्णु के जितने भी जाप करना चाहें वैजंती की माला उसमें बहुत शुभ और अच्छी मानी गई है।